ऐसे स्लाइड करेंगे, आप यहाँ से अपने बैलून को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफी कूल लगता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग चीजें दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेरे पास है आज Redmi Y1 और इस फोन में हम इस फोन के सारे लुक चेंज करेंगे एंड्रॉयड पाई जैसे। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक पाई लॉन्चर की और एक बिलो मी पाई। ये दोनों एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही करेंगे तो आपका फोन कुछ एंड्रॉयड पाई जैसे अपडेट के लुक में चेंज हो जाएगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं आज। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इसमें जो जो मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें आपको ऑन कर देनी है। यहाँ पर जाके सारी चीजें ऑन कर देनी है, फिर उसके बाद आपको बैलून कुछ इस तरीके से इंट्रो देखने को मिलेगा जिसको मैंने पहले भी वीडियो बना के दिखाया है। तो दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, बैग आ जाना है और सेकंड एप्लीकेशन ओपन करना है। और जैसे ही ओपन करेंगे आपको सिर्फ टच करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो आपका कुछ लुक इस तरीके से हो जाएगा। आप जब स्लाइड करते थे आपको इस साइड से आता था लेकिन अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये काफी कूल फीचर्स लगता है। और दोस्तों आपको सारी लुक जो है आपके फोन का वो ऑलमोस्ट सेम एंड्रॉयड पाई अपडेट के जैसा हो जाएगा। तो इस दो एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोन को चेंज कर सकते हैं। आप अपने फोन रेडमी वाई उनको एंड्रॉयड पाई जैसे अपडेट के लुक में चेंज कर सकते हैं। जब तक आपको MIUI 10 अपडेट नहीं मिलता है तब तक आप अपने फोन को इस तरीके से चेंज करके यूज कर सकते हैं। काफी कमाल का फीचर्स लगता है। सो दोस्तों आपको सिर्फ इस पर टैप करना है और आपका फोन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब आप बैक करेंगे तो आपको फिर सेम सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको सिर्फ टैप करना है इस पर और कुछ इस तरीके से लोडिंग एप्स आ जाएगा, फिर आपका फोन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सारी सेटिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं, सारी सेटिंग इस तरीके से हो जाएगी और आपको काफी शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे आप यहाँ पर होम बटन प्रेस करते हैं, आप देखिए यहाँ पर जैसे होम बटन प्रेस करते हैं जैसे आप सैमसंग के फोन में देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड्रॉयड पाई अपडेट इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और आप यहाँ से किसी भी ऐप को सर्च कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये काफी सारे शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे आपको इस अपडेट में। तो काफी कमाल का लगता है, अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं। दोनों ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके अपने फोन को एंड्रॉयड पाई अब लॉन्चर से और MIUI 10 की तरह से आपको कुछ बैलूम इंट्रो देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रेस करके बैलूम इंट्रो दिखाता हूँ एक बार ऑन करके। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑन कर देनी है सारी चीजें। सो दोस्तों आपको बैलूम कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और आपको सिर्फ कुछ करना नहीं, ऐसे स्लाइड करेंगे आपके सारे बैलूम इंट्रो आ जाएंगे। ऐसे स्लाइड करेंगे बैलूम आ जाएगा, ऐसे स्लाइड करेंगे आप यहां से अपने बैलूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफी कूल लगता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं और आप इसे स्लाइड करेंगे आपको यहां पर सारे बैलूम कॉल अलार्म मीडिया ये सारे बैलूम आप सिर्फ स्लाइड करना है, सिर्फ स्लाइड करना है। बैलूम बटन तो प्रेस ही नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐसे स्लाइड करना है आपके सारे बैलूम आ जाएंगे। तो ये काफी कूल लगता है। और आपको यहाँ पर रिंगिंग टोन जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों बस इस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरा यूजर नेम है टिकमहेश जी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।